हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? आई एम मिस्टर सोनलाल, योर इंग्लिश टीचर। यू आर वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाईसियरगढ़। आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाईसियरगढ़ की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10+2 का चैप्टर सेकंड, द टाइगर किंग के टेक्स्टुअल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट दी फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड दी रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी? व्हाट डिड दी रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी? यानी जो शाही शिशु है, या जो राजकुमार है, ऐसे भी बोल सकते हैं, बड़ा होकर क्या बना? भी राजकुमार जो है या शाही बच्चा जो है, वो बड़ा होकर क्या बना? दी रॉयल इन्फेंट ग्रू टालर एंड स्ट्रोंगर डे बाई डे। दी रॉयल इन्फेंट ग्रू टालर एंड स्ट्रोंगर डे बाई डे। यानी शाही बच्चा दिन प्रतिदिन बड़ा और स्ट्रोंग होने लगा। विषयी बच्चा दिन प्रतिदिन बड़ा और स्ट्रोंग होने लगा। द बॉय ड्रेंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। लड़के ने द बॉय ड्रेंक द मिल्क, लड़के ने दूध पिया, ऑफ एन इंग्लिश काउ यानी अमेरिकन गायों का, अंग्रेजी गायों का। भी शाही जो लड़का है वो इंग्लिश गायों का दूध पीने लगा। ही वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नर्स। उसकी देखभाल भी इंग्लिश नर्स के द्वारा की जाती थी। ही वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नर्स। उसकी देखभाल भी इंग्लिश नर्सों के द्वारा की जाती थी। ही वॉज ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन। ही वॉज ट्यूटर्ड, उसको पढ़ाया जाता है, उसकी स्टडी करवाई जाती इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिश मैन। और उसकी स्टडी भी है ना, उसकी पढ़ाई भी है, वो भी अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेज व्यक्ति द्वारा इंग्लिश माध्यम से की जाती। ही सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म। और वह और कुछ नहीं देखता, यहाँ तक कि वो फिल्म भी देखता था ना, वो इंग्लिश फिल्म ही देखता था। ही सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म। वह इंग्लिश फिल्म के अलावा और कुछ नहीं देखता था। वेन ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड ही बिकेम द किंग ऑफ द स्टेट। वेन ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, जब 20 वर्ष का हुआ। वेन ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड, जब वह 20 वर्ष का हुआ, ही बिकेम द किंग ऑफ द स्टेट। तो वह राज्य का, वह एक स्टेट का राजा बन गया। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल दी महाराजा डू? व्हाट विल दी महाराजा डू टू फाइंड दी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल? व्हाट डिड दी महाराजा डू? महाराजा क्या करेगा टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल? भी जो जरूरी बाघों को मारने के लिए अब राजा क्या करेगा? बाकी बचे हुए, उसने 70 तो पहले मार दिए थे, और बाकी जो बच गए उसके लिए, भी बाकी बचे हुए बाघों को मारने के लिए राजा क्या करेगा? ठीक है, आंसर, ही वुड ट्राई टू एस्टेब्लिश रिलेशन विद ए रॉयल फैमिली दैट हैड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर इन इट्स स्टेट। ही वुड ट्राई टू एस्टेब्लिश होता है स्थापित करना, रिलेशन में ना संबंध, विद रॉयल फैमिली, शाही परिवार से। भी वह क्या है, एक शाही परिवार से, एक अच्छे परिवार से, एक कुलीन परिवार से, एक बड़े परिवार से संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करेगा, जिसके स्टेट में बहुत सारे बाघों की संख्या हो। भी ही वुड ट्राई टू एस्टेब्लिश रिलेशन विद ए रॉयल फैमिली दैट हैड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर इन इट्स स्टेट।
भी वह एक ऐसे साई परिवार से संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करेगा जिसके राज्य में बहुत सारे बाग हो। He would try to find such a girl and marry her. और उसने क्या किया? उसने क्या है? ऐसी एक लड़की को खोज लिया। उसने एक लड़की को खोजने का प्रयत्न किया और उसके साथ शादी कर ली। He would try to find such a girl and marry her. उसने ऐसी एक लड़की खोजने का प्रयत्न किया और बाद में उसके साथ शादी कर ली। Then he would be free to hunt in the state of his father in law. Then he would be free, तब वह फ्री हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। किसके लिए? टू हंट, शिकार करने के लिए। तब वह ऐसा करने के लिए आजाद हो जाएगा। इन द स्टेट ऑफ हिज फादर इन लॉ, अपने ससुर के राज्य के जंगलों में शिकार करने के लिए वह बिल्कुल ही आजाद हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। देन ही वुड बी फ्री टू हंट इन द स्टेट ऑफ हिज फादर इन लॉ। आई रिपीट अगेन, ही वुड ट्राई टू एस्टेब्लिश रिलेशन विद ए रॉयल फैमिली दैट हैड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर इन इट्स स्टेट। वह ऐसे शाही परिवार से संबंध स्थापित करने का प्रयत्न करेगा जिसके राज्य में बहुत सारे बाघ हो। ही वुड ट्राई टू फाइंड सच ए गर्ल एंड मैरी हर। वह ऐसी एक लड़की को खोजने का प्रयत्न करेगा। उसने ऐसी एक लड़की खोजने का प्रयत्न किया एंड मैरी हर और उसके साथ शादी कर ली। देन ही वुड बी फ्री टू हंट इन द स्टेट्स ऑफ हिज फादर इन लॉ। और इस प्रकार वह उसके राज्य में अपने ससुर के राज्य के जंगलों में बाघों का शिकार करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। हाउ डिड द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100th टाइगर विच वॉज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। भी कैसे राजा ने अपने आप को कैसे तैयार किया? प्रिपेयर मैंने तैयार किया, हिमसेल्फ मैंने स्वयं को फॉर द 100th टाइगर, 100वें बाघ के लिए। विच वॉज फॉर टू डिसाइड, जो सौभाग्य से उसके सामने आ गया था। भी राजा ने 100वें बाघ के लिए अपने आप को कैसे तैयार किया जो कि सौभाग्य से उसके सामने आ गया था। आंसर, द महाराजा स्टिल रिमेम्बर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स वर्ड। महाराजा को अभी भी ज्योतिषियों की भविष्यवाणी याद थी। सो ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द 100th टाइगर। इसलिए वह 100वें बाघ से बहुत ही सावधान था। सो ही हैड टू एक्सट्रीमली केयरफुल विद द 100th टाइगर। ही थॉट टू हिमसेल्फ, द टाइगर इज ए स्वेज बीस्ट। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने सोचा कि द टाइगर इज ए स्वेज बीस्ट। भी बाघ जो है खतरनाक जानवर, स्वेज होता है खतरनाक, हार्मफुल। बाघ एक खतरनाक जानवर है। वन हैज टू बी वरी ऑफ इट, और यह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, किसी को भी चिंतित कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। वन हैज टू बी वरी ऑफ इट, यह किसी को भी, यह कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। हाउ एवर ही वॉज डिटरमाइंड टू सिक द 100th टाइगर एंड किल इट। However, he was determined, फिर भी वह दृढ़ संकल्प था टू सिक द 100th टाइगर एंड किल इट। फिर भी वह 100वें बाघ के लिए बहुत ही व्याकुल था और दृढ़ संकल्प था एंड किल इट, और लास्ट में उसको मार देता है। एंड आफ्टर दैट ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग
टूगेदर एंड आफ्टर दैट और इसके बाद में ही कुड गिव अप, वह छोड़ सकता था टाइगर हंटिंग, बाघों का शिकार करना। और इसके बाद में उसने सोचा कि वह बाघों का शिकार करना बंद कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर, व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर, डू यू थिंक द प्रोफेसी वाज इनडिस्प्यूटेबली प्रूव्ड, व्हाट विल नाउ हैपन टू द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष, अब ज्योतिषियों का क्या होगा, यानी ज्योतिष ने जो भविष्यवाणी की थी उसका क्या होगा, अब ज्योतिषियों की भविष्यवाणी का क्या होगा। डू यू थिंक, क्या तुम सोचती हो कि भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी। डू यू थिंक द प्रोफेसी वाज इनडिस्प्यूटेबली प्रूव्ड, भी गलत साबित हो जाएगी। आंसर, द एस्ट्रोलॉजर हैड वार्ड द महाराजा टू बी केयरफुल अबाउट द 100 टाइगर, द एस्ट्रोलॉजर हैड वार्ड द महाराजा टू बी केयरफुल अबाउट द 100 टाइगर, ज्योतिषियों ने राजा को चेतावनी दी थी कि वह सौवें बाघ से सावधान रहे, उसे सौवें बाघ से सावधान रहना चाहिए। ज्योतिष ने राजा को चेतावनी दी थी कि उसे सौवें बाघ से सावधान रहना चाहिए। व्हाट इफ द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, व्हाट इफ, क्या होगा अगर द 100 टाइगर वर आल्सो किल्ड, द महाराजा हैड सेड एट दिस द एस्ट्रोलॉजर रिप्लाई वाज, महाराजा ने कहा कि क्या होगा जब सोमा बाग भी मारा जाएगा, भी क्या होगा जब सोमा बाग भी मैं मार दूंगा फिर क्या होगा। एट दिस, इस पर द एस्ट्रोलॉजर रिप्लाई, इस पर एस्ट्रोलॉजर ने उत्तर दिया था कि देन आई विल टीयर अप ऑल माय बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड सेट फायर टू देम, अगर ऐसे आपकी भविष्यवाणी अगर भी राजा ने कहा जब मैं सोमा बाघ भी मार दूंगा तो तब क्या होगा। तब उस ज्योतिष शास्त्री ने उत्तर दिया था, ज्योतिषी ने उत्तर दिया था कि देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड सेट फायर टू देम, तब मैं अपनी ज्योतिष शास्त्र की जितनी भी बुक्स है ना उन सबको फाड़ दूंगा, ऑल माई बुक्स सभी पुस्तकों को, तब मैं उन ज्योतिष शास्त्रियों की सभी, मेरी जो ज्योतिष शास्त्री की जो बुक है ना उन सबको फाड़ दूंगा और उन्हें आग के हवाले कर दूंगा, उनको आग लगा दूंगा। आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकेम एन इंश्योरेंस एजेंट, आई कट ऑफ माई टफ्ट, यस आई सेल कट ऑफ माई टफ, मैं अपने बालों को कटवा दूंगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मैं अपनों तभी ज्योतिष शास्त्री कहता है कि आई सेल कट ऑफ माई टफ्ट क्रॉप माई हेयर शॉर्ट, मैं अपने बालों को, अपने बालों के घास को या अपने बालों को, बालों रूपी फसल को पूरी तरह से कटवा के छोटा करवा दूंगा। एंड बिकेम एन इंश्योरेंस एजेंट, और मैं एक इंश्योरेंस बीमा करने वाला एजेंट बन जाऊंगा, ऐसा मतलब उसने कहा। बट आई डोंट थिंक सच ए थिंग वुड हैपन बिकॉज द ओल्ड एस्ट्रोलॉजर मस्ट बी डेड ऑलरेडी, बट आई डोंट थिंक सच ए थिंग वुड हैपन, बट आई डोंट थिंक सच ए थिंग वुड हैपन, परंतु मैं नहीं सोचता कि ऐसा होगा। तभी ज्योतिष शास्त्री कहते हैं परंतु मैं नहीं सोचता कि ऐसा होगा, भी ऐसी नौबत आएगी भी 100 टाइगर से आपकी मृत्यु न हो। बिकॉज द ओल्ड एस्ट्रोलॉजर मस्ट बी डेड ऑलरेडी आल्सो, क्योंकि जो बूढ़ा ज्योतिष शास्त्री था ना वह भी पहले ही मर चुका होगा। आई डोंट थिंक द प्रोफेसी वाज प्रूव्ड इनडिस्प्यूटेबली ट्रू, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता कि प्रोफेसी जो है ना गलत साबित होगी। बिकॉज इट वॉज नॉट द 100 टाइगर दैट किल्ड द महाराजा,
आई डोंट थिंक द प्रोफेसी वाज प्रूव्ड इनडिस्प्यूटेबली ट्रू। भी मैं ऐसा नहीं सोचता कि भविष्यवाणी जो पुराने ज्योतिष शास्त्र ने जो भविष्यवाणी की थी ना वो गलत साबित होगी। बिकॉज इट वॉज नॉट द 100 टाइगर दैट किल्ड द महाराजा, ये सोमा बाघ नहीं था जिसने राजा, इट वॉज नॉट द 100 टाइगर दैट किल्ड द महाराजा, ये सोमा बाघ वो नहीं था जो कि महाराजा ने मारा था। वी कैन ओनली से दैट द महाराजा वॉज किल्ड बिकॉज ऑफ द 100 टाइगर। वी कैन ओनली से, हमने तो केवल ये कहा था कि महाराजा द्वारा है ना सोमेबाग को मारा जाएगा। महाराजा वाज किल्ड बिकॉज ऑफ द 100 टाइगर, 100 टाइगर के कारण ही, सोमेबाग के कारण ही महाराजा मारा जाएगा। विदाउट एसर्टेनिंग दैट द टाइगर वाज एक्चुअली किल्ड, विदाउट एसर्टेनिंग, बिना किसी अनिश्चितता के, द टाइगर वाज एक्चुअली किल्ड, बिना किसी अनिश्चितता के शेर मारा जाता है, वास्तव में मारा जाता है। ही लेफ्ट द फॉरेस्ट एंड स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग हिज सक्सेस, और इसके बाद में राजा जो है जंगल छोड़ देता है और वह अपनी सफलता का जश्न मनाना शुरू कर देता है। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज फिनिश्ड, थैंक्स फॉर नेक्स्ट वीडियो।